चिकन के गोश्त में बनने वाली मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काले मिर्च में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अगर आप इस तरह की रेसिपीज अपने घर में बनाएंगे तो होटल से परफेक्ट ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे की कड़छी लेनी होगी। इसमें आप हाफ कप जितना ऑयल डाल दें। सबसे पहले आपको इसमें चिकन ऐड करना होगा, जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकाना होगा जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन का काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। इन तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको आप चिकन में ऐड कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करें हाई फ्लेम पर। चिकन में ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मिक्स किया है। ऑयल में चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 4 मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने 20 से 200 में कट कर दिया है। और इस तरह टमाटर को रखिए आप लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। इससे जो इसके छिलके हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अक्सर जो होटल्स वाले होते हैं तो इस तरह वो कढ़ाई बनाते हैं। टमाटर को अभी गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 5 मिनट के लिए फिर से मैंने इसे कवर कर दिया है। कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूंगी, तो 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें आप वाइट पेपर डाल दें, सफ़ेद मिर्च। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें। पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चिकन को अच्छी तरीके से आपको भूनना होगा मसाले में। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। अब इसमें आपको दही ऐड करनी होगी। दही मैंने घर में बनाई है, तो इसकी मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगी और साथ ही इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। दही में 2 टेबल स्पून जितनी आप क्रीम ऐड कर दें। अक्सर जो होटल्स वाले होते हैं तो दही में क्रीम ऐड करते हैं, इससे कढ़ाई का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और क्रीमी मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अगर आप क्रीम का पैकेट ले रहे हैं तो हफ्ते तक बिल्कुल वो ख़राब नहीं होता, फ्रिज में आप उसे रख सकते हैं। दही और क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये आप कढ़ाई में ऐड कर दें। लो फ्लेम करने के बाद ये आपको ऐड करनी होगी। अब इसे आप मिक्स कर दें। जैसे ही दही और क्रीम इसमें मिक्स हो जाएगी तब आप इसे कवर कर दें 5 से 10 मिनट के लिए और फ्लेम को हाई कर दें। 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। इस तरह जब कढ़ाई का लुक हो जाए तब आप इसकी फ्लेम को और ज़्यादा हाई कर दें, ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और फिर से ऑयल इसका निकलना शुरू हो जाए। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। होटल जैसा फ्लेवर देने के लिए इसमें आप थोड़ा सा कोयले का स्मोक दें। बिल्कुल आपकी होटल से परफेक्ट ये कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। काली मिर्च में बनने वाली मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ अदरक इसके ऊपर आप सर्व करें। अगर आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये होटल से बनी हुई या घर में ये रेसिपी बनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अक्सर जो होटल्स वाले होते हैं तो वो दही में क्रीम थोड़ी ऐड करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई का। मज़ेदार चिकन की काले मिर्च में बनने वाली कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।